नमस्कार दोस्तों दोस्तों यदि आप 10वीं पास हो तो आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी निकल के आ रही है नई वैकेंसी को लेकर, जिसके अंदर दोस्तों बम्पर पदों पर भर्ती आपकी आ चुकी है। वो भर्ती आई दोस्तों एसएससी एमटीएस में, जिसमें सिलेक्शन आपका कैसे होने वाला है, फॉर्म की डेट भी बता दी गई है, फॉर्म की अंतिम तारीख क्या है, एग्जाम इसका कब लगने वाला है, नया सिलेबस क्या है, उम्र सीमा यहाँ पर क्या रखी गई है, सब कुछ आपको इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो आप कोई से भी राज्य से हो, मेल हो या फीमेल हो, यदि आप 10वीं पास हो और आपकी उम्र 18 से 27 साल है, इसके अलावा अदर कैटेगरी को छूट भी मिलने वाली है, वो कितने कितनी छूट मिलेगी सब कुछ इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो ये फॉर्म आपको जरूर डालना है, तो वीडियो को पूरी जरूर देखना, सब कुछ आपको इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। दोस्तों जिस भर्ती का आपको बहुत दिन से इंतजार था, वो भर्ती आ चुकी है एसएससी एमटीएस की, जिसमें दोस्तों योग्यता रखी गई है वो 10वीं पास रखी गई है। आप 10वीं पास हो तो ये फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हो। पदों की मैं बात कर लूं दोस्तों, 10,000 पदों पर ये भर्ती आई है, 10,000 पद यहां पर रखे गए हैं। आगे मैं आपको बता दोस्तों फॉर्म कब से स्टार्ट होने जा रहे हैं। एसएससी एमटीएस की जो फॉर्म है वो 14 जून 2023 से स्टार्ट होने जा रहे हैं, और फॉर्म भरने की जो अंतिम तारीख है वो अंतिम तारीख है 14 जुलाई। तो बहुत ज्यादा पदों पर भर्ती है और फॉर्म भरने की तारीख है अंतिम वह 14 जुलाई। तो 14 जुलाई से पहले आप इसका फॉर्म अप्लाई कर देना। दोस्तों परीक्षा तिथि भी बता दी है कि एसएससी एमटीएस की जो आपकी एग्जाम लगेगी, वो एग्जाम लगने वाली है सितंबर 2023 में, मतलब कि आपके पास अभी समय है। यदि अभी से तैयारी करोगे तो आप आराम से सितंबर 2023 तक बहुत अच्छी तैयारी कर लोगे और सिलेक्शन आप आराम से ले जाओगे। तो फॉर्म भर देना, 14 जुलाई लास्ट डेट है। आगे मैं आपको बता दूं यहां पर फॉर्म फीस कितनी लगने वाली है। जनरल ओबीसी की जो फॉर्म फीस लगेगी वो 100 रुपए लगेगी, एससी एसटी की 0 रुपए, फीमेल कैटेगरी की भी 0 रुपए। इसके दोस्तों बहुत का डाउट आता है कि एसएससी एमटीएस का एग्जाम सेंटर बहुत दूर आता है, तो ऐसा कतई नहीं है दोस्तों। आपके राज्य में जो नजदीक दोस्तों आपका जो भी शहर है वहां पर आप अपना सेंटर है वो ले सकते हो। 3 ऑप्शन मिलते हैं आपको चूज करने के, तो एग्जाम सेंटर आपको बाहर नहीं दोस्तों, आप जहां पर चाहते हो आपके नजदीकी शहर में है एग्जाम देने आप जा सकते हो। आगे मैं आपको बता दोस्तों यहां पर जो एज लिमिटेड रखी गई है, जो एज रखी गई है, जो उम्र सीमा रखी गई है दोस्तों, कुछ पोस्टों के लिए 18 से 25 साल और कुछ के लिए 18 से 27 साल रखी गई है। मतलब यदि 10,000 पोस्ट है ना, तो 10,000 में से 9,000 पोस्टों के लिए तो जो एज रखी गई है वो रखी गई है 18 से 25 साल, और लगभग दोस्तों 1,000 पोस्टों के लिए एज रहती है वो रहती है 18 से 27 साल। तो यदि आपकी उम्र 18 से 27 साल है तो आप फॉर्म डाल सकते हो। ओबीसी को 3 साल की, एससी एसटी को 5 साल की, और फीमेल को भी यहां पर छूट है वो मिलने वाली है। तो सब कुछ मैंने आपका ये डाउट तो क्लियर कर दिया, सब कुछ इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी। अगला नंबर आता है सिलेक्शन कैसे होगा, आपको बता दूं सिलेबस क्या रहता है और एग्जाम पैटर्न क्या है नया। दोस्तों यहां पर आपके 2 पेपर लगने वाले हैं। पहला पेपर के अंदर दोस्तों 20 क्वेश्चन मैथ के आएंगे, 20 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे। आपको जो समय मिलेगा वो 45 मिनट का समय मिलेगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं लगेगी। एक दिन दोस्तों दोनों एग्जाम लग जाएंगे, पहला ये लगेगा उसके बाद में ये लगने वाला है। तो आपको क्या मिलेगा, 45 मिनट का समय मिलेगा, 20 क्वेश्चन मैथ के आएंगे, 20 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और दोस्तों एक बात और बता दूं, आपकी जो मेरिट बनेगी ना वो सेकंड पेपर पे निर्भर है। ये तो सिर्फ आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ ये पास करना है। यहां पर ज्यादा नंबर लेके आओ, कम नंबर लेके आओ, कम तो क्या दोस्तों जो पासिंग मार्क्स है यदि आप उतने ले आते हो तो यहां पर आप पास हो जाओगे, आपका यह पेपर है वो जांच किया जाएगा। यदि आप पासिंग मार्क्स नहीं लेके आते हो तो आपको फेल कर दिया जाएगा। तो इस पेपर की दोस्तों कोई वैल्यू नहीं है, आप भी जानते हो दोस्तों पासिंग मार्क्स बहुत कम रखा गया है। यदि 40 में से 10 क्वेश्चन भी आपके सही हो जाते हैं, 10 से 12 क्वेश्चन, तो आप इस पेपर के अंदर पास हो जाओगे। और आपको पता होगा रीजनिंग के अंदर 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप आराम से इजीली इस पेपर को तो पास कर लोगे। उसके बाद में दोस्तों जैसे ये एग्जाम खत्म होता है तुरंत ये एग्जाम भी कंडक्ट करवा लिया जाएगा उसी दिन दोस्तों। इसमें आपके जीके के 25 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन आएंगे, वही आपको 45 मिनट का समय मिलेगा। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखना, इस वाले के अंदर जो नेगेटिव मार्किंग रहेगी, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। मतलब कि आपका जो सिलेक्शन है वो निर्भर करेगा इस वाले पेपर के ऊपर करेगा, जिसमें जीके के 25 क्वेश्चन और इंग्लिश के 25 क्वेश्चन आने वाले हैं, वही 45 मिनट का समय मिलेगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। ये वाला तो आपको सिर्फ पास करना है, यदि यहाँ पर आप बहुत अच्छे नंबर ले आते हो तो आप आराम से इजिली एसएससी एमटीएस में सिलेक्शन है वो ले सकते हो। तो आज की वीडियो आपको दोस्तों कैसे लगी, वापस से बोल देता हूँ, फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है 14 जुलाई है, ये फॉर्म आपको जरूर भरना है और आज से इसकी तैयारी में आपको लग जाना है। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बताना, चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना और आपके दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।